घर कम से कम 30। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते, मेरा नाम आकाश है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में और आज एक छोटा सा वीडियो बनाने का मन है जिसमें ये दिखाने का मन है कि ये यहाँ नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश में लोग ट्रेडिशनली घर में कैसे रहते हैं। जैसे मेरे पीछे भी आप देख रहे हो, ये एक ट्रेडिशनल घर है, इसके ऊपर प्रॉपर पत्ते लगा के और प्रॉपर बैम्बू, लाइक पूरा लकड़ी का घर होता है। यहाँ पे सीमेंट वाले घर होते हैं, ऐसा नहीं है, होते हैं, बट ये ट्रेडिशनल तरीके का घर है। और मेरे पीछे जो है वो एक सेमी ट्रेडिशनल तरीके का घर है जो पहले ऐसा ही होता था पत्तों के संग, अभी बट ये पत्ते हटा के उसमें टीना लगा दिया है, टीन जो लोहे का टीन होता है वो लगा दिया है। तो एक छोटा सा वॉक ओवर टूर का इनफ। इसमें तो मैं यू नो रहता हूँ, इसमें से बहुत तगड़ा व्यू भी बहुत बहुत सुंदर मिलता है इसका, बहुत बहुत छोटा सा एक रूम टाइप है फैंसी सा। अगर आपको इसमें रहना तो आप मुझे यू नो कमेंट में लिख देना, मैं आपको अरेंज करा दूँगा, यहाँ पे भी आप रह सकते हो। बाकी मैं थोड़ा सा होम टूर आपको देता हूँ, पूरा लकड़ी का घर कैसे बना है, कैसे क्या होता है, सब चीज़ें। तो जैसे मैंने बताया, ये घर पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इसमें सीमेंट बिल्कुल बिल्कुल मिनिमल यूज़ करा गया है, मतलब प्रॉपर लकड़ी को यूज़ करके बनाया गया है। तो मैं बाकी चीज़ें दिखाता रखो, जैसे लाइक ये वॉल देखो, प्रॉपर बैम्बू को पतले पतले स्ट्रिप्स में काट के मस्त तरीके से वॉल को बनाया गया। ये पिलर को पेंट करते, ये ट्रेडिशनल होता है हर घर के बाहर आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे पहले बहुत सारे थे, अभी कम कर दिए। मिथुन का सर है, मिथुन का सर बहुत सारे देखो। और जिस पर हम चल रहे हैं देखो, ये भी पूरा लकड़ी का तख्ता प्लैंक, ये घर पूरा लकड़ी का है, पूरा लकड़ी का। चलो अंदर दिखाते कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा होम टूर। दिस प्लेस इज द डाइनिंग एरिया प्लस यहाँ पे फायरवर्क का भी जगह है। यहाँ में आग लगा के खाना भी बनाते हैं, खाना बनता है प्रॉपर। और ये एक ट्रेडिशनल तरीके का पूरा सेटअप है और ये घर भी इवन लाइक बहुत पुराना है, मतलब ये घर कम से कम 30-35 साल है। और ये पूरा ये लकड़ी, ये जितना भी ये सब लकड़ी है, जितना भी दिख रहा है, ये सब लकड़ी का बना है और बहुत वेल क्राफ्टेड, वेल डिज़ाइन मैं कहूँगा। क्योंकि देखो इधर, ये देखो इधर ये प्लैंक है और इधर ये बैम्बू है, तो ये है कॉमन एरिया। यहाँ में अभी भी देखो आग, इसमें अभी हम तरफ जल ही रहे, इसमें आग जलाते हैं, इसमें खाना गर्म करते हैं और ये टॉप बास्केट में मीट रखते हैं, इसमें स्पाइसेस रख सकते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं। ये मतलब एक ट्रेडिशनल वे का प्रॉपर सेटअप है। गाड़ी का चाबी, बाइक का चाबी यहाँ में टांगते हैं, बढ़िया दांत में। बढ़िया तरीके से यूज़ हो रहा है। ये एक मॉडर्न कम ट्रेडिशनल बैग है, ये लड़कों के लिए होता है, कैरी कर सकते हैं उसमें सब्जी उब्जी सब कुछ। और इसके पीछे है दाव, ये है दाव। तो ऐसा कुछ होता है ट्रेडिशनल घर, बट ये है सेमी ट्रेडिशनल, ओके, क्योंकि इसमें ऊपर लगा है टीना, टीन लगा हुआ है इसमें, मतलब इसमें पहले वैसे वो था पत्ता लगा था बट अभी इसमें टीन है। क्या फीलिंग यार इसमें, जब बारिश वगैरह गिरती है, अमेजिंग फीलिंग। ये है इधर किचन एरिया टाइप है, बट यहाँ पे भी खाना बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वहाँ खुले में भी बना सकते हैं, तो जगह ही जगह है। एंड पूरा देखो सब चीज़ यहाँ पे लकड़ी प्लैंक का बना है। ये वॉल देखो कि प्रॉपर बैम्बू, ये जो है पीछे ये बैम्बू है, बैम्बू को काट के इसका फ्रेमिंग बना के इतने मज़े से बनाया है। और ये जो पत्ते हटा के जो टीन लगा दिया है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी अमेजिंग फीलिंग कभी सोने में नहीं आएगी। जब यहाँ बारिश गिरती है ना तो बहुत मज़ा आता है सोने में, क्योंकि वो टीम के ऊपर आवाज़ आती है टन 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 टन, मतलब पूरा बैकग्राउंड आपको म्यूज़िक मिल जाएगा सोने के लिए। यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, यहाँ पे इधर काफ़ी बड़ा है वैसे, मतलब अगर इसका एक मैं टूर दूँ तो देखो यहाँ से व्यू भी बहुत मज़ा है, सीधा मज़ा। ये हमारा मुर्गी है, घर के पीछे मुर्गी, से हाय टू माय मुर्गी। तो ये है कॉरिडोर,
फेवरेट चेयर जिसको मैं यहाँ लगाता हूँ और ऐसे चिल पोजीशन में बैठ जाता हूँ। बहुत मज़ा आता है और ऐसे व्यू भी बहुत अच्छा। न्यू डे यहाँ मैं अपने कपड़े सुखा देता हूँ, यहाँ से पहाड़ों के फुल व्यू लेता हूँ मज़े। सो काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, बहुत सारे रूम्स हैं। देखो ये डे में लाइट शॉट्स के लिए देखो किधर तो मस्ती लगाया हुआ इधर, और ऐसा बाथरूम में भी है। तो अगर दिन में लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी इसमें आराम से बिना रोशनी के रह सकते हैं। एनी बढ़िया। और यहाँ पे ऊपर भी सारा ये सब ट्रेडिशनल स्टफ ही रखा हुआ है। ये एक बास्केट है जिससे अपुंग बनाते हैं, इधर ये मैट है इस पर चावल सुखाते हैं, और ट्रेडिशनल ये ट्रेडिशनल रस्सी है, देखो रस्सी है। यहाँ पे मंदिर है, दिस इज धोनी पोलो, ये हमारा डॉगी डोमिनो, वो भी हमारा डॉगी बिल्ली। रहने की फीलिंग इसमें, सोने की फीलिंग इसमें, खाने की फीलिंग, ऐसे कॉमन एरिया में सब लोग ऐसे बैठ के खाना खाते हैं, गर्मा गर्म खाना आपके सामने ही गर्म हो रहा है, खाना वहीं से मिल रहा है, बहुत अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है। सो यार यही है एक ट्रेडिशनल घर में रहने का बेनिफिट। और साइंस के पॉइंट से भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये साइंस के टर्म में भी बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज़ वुड है तो वुड में से वेंटिलेशन बढ़िया तरीके से होता है, तो ठंडा और गर्म दोनों में ही ये वेंटिलेशन बहुत बढ़िया से काम करता है। तो लकड़ी के घर मेरे हिसाब से काफ़ी इको फ्रेंडली भी हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये है ट्रेडिशनल घर, ऐसे होता था पहले, बट अभी क्या है ये जो पत्ता होता है इसका लाइफ इतना होता नहीं है, इसका लाइफ थोड़ा कम है, तो मतलब हर 5 से 6 साल में ये निकालना पड़ जाता है क्योंकि ये सूख जाता है, सूख के इसमें गड्ढा हो जाता है, गड्ढा होने के बाद इसमें बारिश हल्का हल्का अंदर आने लगता है, बट अंदर भी एक कवरिंग होता है। जैसे मतलब मैं अपने रूम में दिखाता हूँ क्या वहाँ पे है लकड़ी, लकड़ी राइट ऊपर, इसमें ऊपर वो घास जला है ना, तो वो घास से जो पत्ता है ऊपर उसके लिए प्रोटेक्टेड ये लगाते हैं शीट, ये एक मतलब त्रिपाल जैसा कुछ बोल सकते हैं इसको, तो इससे क्या होता है पानी अंदर नहीं आता है, और यहाँ से व्यू भी बहुत तगड़ा है। ये है मेरा मॉर्निंग व्यू, सुंदर पहाड़ दिखते हैं, और एक बेनिफिट और है, बेनिफिट ये है कि भाई देखो झाड़ू वाड़ू जो है ना सीधा बस खिसकाना है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे, और नीचे चला जाएगा घर के, क्योंकि घर भी एलिवेटेड होता है, ये कोई ज़मीन पे बना घर नहीं है, ये एलिवेटेड है, इसके नीचे भी जगह है, मतलब ये पिलर टाइप पे बना है, क्योंकि बारिश यहाँ पे ज़्यादा होता है ना तो इसको पिलर्स पे ही बनाना पड़ता है। यहाँ से देखो इको फ्रेंडली घर है। सो भाई लोग ये था एक सेमी ट्रेडिशनल घर, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे रहने में बहुत मज़ा आता है, और अगर आपको यहाँ रहने का मन है आप कमेंट में लिख देना, मैं क्या पता आपके लिए कुछ ऐसा होम स्टे अरेंज करवा दूँ, सो मे बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, जहाँ आप भी इतने सुंदर प्यारे होम स्टे में रह सको, जहाँ बहुत ही बढ़िया खाना पीना रहना एवरी थिंग इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल, आप आओगे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अगर हो सके तो, बिकॉज नो दैट ये सब फ्री है। टिल देन यू कैन स्टे, हैव अ नाइस डे, मेरा नाम आकाश है, एंड आई विल सी यू समवेयर एल्स इन नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश। एडियोस एंड डू सपोर्ट माय ब्रदर, वोट फॉर हिम।